नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी और आदानी कंपनी के बारे में बताऊंगा। 2022 साल के अंदर जब भारत के अंदर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन के अंदर आपको पता है रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम परचेस किया था, एयरटेल ने 48,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम परचेस किया था, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपये यानी 18,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम परचेस किया था और आदानी ग्रुप ने 282 करोड़ रुपये के आसपास का जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर परचेस किया था। देखिए, जहाँ पर जियो और एयरटेल ये दो कंपनी ऑलरेडी भारत के मेजॉरिटी जगह के अंदर अपने 5G सर्विसेज को अवेलेबल करवा दिया, यानी अगर मैं 5G रोल आउट की बात करता हूँ तो जियो और एयरटेल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रोल आउट यहाँ पर किया है। लेकिन अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी या आदानी कंपनी की बात करता हूँ तो उन्होंने अभी तक अपने 5G का रोल आउट यहाँ पर नहीं किया है या रोड मैप जो है वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से शेयर नहीं किया है। लेकिन 2022 साल के अंदर जब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था तब गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन यानी MRO को यहाँ पर जारी किया गया था, जहाँ पर बताया गया था कि आने वाले एक साल यानी 12 महीने के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर स्पेक्ट्रम को परचेस किया है मिनिमम एक लाइसेंस सर्विस एरिया के अंदर उन्हें अपने सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। जो भी स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा है हर एक स्पेक्ट्रम को काम में लेकर एक लाइसेंस सर्विस एरिया के अंदर तो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना ही होगा। तो वैसे एक टाइम के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ या आदानी ग्रुप की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से ये दो कंपनी को काफ़ी जल्दी शो कॉज नोटिस भी यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताऊँगा, कितना जुर्माना कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा वो भी बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं बता देता हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी एक कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है, हम सभी लोगों को पता है। आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो टोटल कर्जे का अमाउंट है वो है 212,000 करोड़ रुपये या उससे भी ज़्यादा। अभी के टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है और मैक्सिमम जगह के अंदर अपने सर्विसेज को 4G पर प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र के पुणे और दिल्ली के कुछ सिलेक्टिव जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G सर्विसेज को अवेलेबल करवा दिया है और उसके बारे में कुछ अपडेट जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से लॉन्च भी किया गया था। लेकिन अभी के टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी गवर्नमेंट के पास से जो भी स्पेक्ट्रम को यहाँ पर परचेस किया था वो एक भी लाइसेंस सर्विस एरिया के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। वोडाफोन आइडिया कंपनी टोटल 16 सर्कल के लिए आपने जो लाइसेंसेस है उसे परचेस किया था, मतलब जो 5G स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ 16 सर्कल के लिए परचेस किया था, जहां पर जियो एयरटेल जैसे कंपनी भारत के हर एक सर्कल्स के अंदर आपने 5G सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम को यहां पर परचेस किया था। तो ये 16 लाइसेंस सर्विस एरिया के अंदर एक भी ऐसे एरिया नहीं है जहां पर वोडाफोन आइडिया फुल्ली अपने 5G से कवर किया है। तो ये गवर्नमेंट को पता है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से वोडाफोन आइडिया कंपनी को ये शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है कि एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया, आप क्यों अभी तक अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर पाए, जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन का टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने फॉलो नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी सही जवाब नहीं दे पाते तो वोडाफोन आइडिया कंपनी को 14 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर देना हो सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, इस तरीके का नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। अभी बात कर लेते हैं आदानी ग्रुप के बारे में। अभी देखिए, आदानी ग्रुप अपने 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा था कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं। उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया था कि आदानी ग्रुप मेनली पोर्ट, लॉजिस्टिक, उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इस तरीके का जो कमर्शियल चीज़ें यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए अपने 5G स्पेक्ट्रम को जो वो यहाँ पर खरीदा था और खरीदने के टाइम भी अपना विजन जो वो यहाँ पर क्लियर कर दिया था। लेकिन आदानी ग्रुप अभी तक 5G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करके तो बैठा है लेकिन किसी भी तरीके का डिप्लॉयमेंट जो वो यहाँ पर नहीं किया है और इसी कारण से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आदानी को भी यहाँ पर जो नोटिस है वो यहाँ पर भेजा गया है। और अगर आदानी ग्रुप की तरफ से इसका प्रॉपर जवाब नहीं आते तो यहाँ पर 5 से 7 करोड़ रुपये का फाइन आदानी ग्रुप के ऊपर लगाया जा सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदने के टाइम जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन से उस पर साइन किया था, वहां पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे यहां पर फॉलो किया था और अभी के टाइम के अंदर वो फॉलो यहां पर नहीं कर रहा है, उल्टा गवर्नमेंट का काफी ज्यादा लॉस यहां पर हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने परचेस किया था उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन यहां पर नहीं हो रहा है और आज के डेट के अंदर स्पेक्ट्रम जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी में मान सकता हूं टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये दो कंपनी के ऊपर कितना पेनल्टी लगाया जाएगा
जाएगा, या क्या ये दो कंपनी अपना जो स्टैंड है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर पाते या नहीं पाते, वो भी अभी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल कर आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।